हे एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो आज हमारा टॉपिक क्या होगा? हमारा टॉपिक होगा जो हमारे बॉडी में मूवमेंट होते हैं या हमारी बॉडी लोकोमोशन करती है, वो किसकी वजह से करती है? वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन की वजह से करती है। तो ये मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये क्यों होता है और कैसे होता है, तो ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। और मसल्स क्या होती है, मसल्स किससे बनी हुई होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मसल्स कैसी होती हैं, किससे बनी हुई होती हैं। तो ये क्या है? मसल है। ये क्या है? मसल है। और मसल ये टेंडन के द्वारा किससे अटैच हुई होती है? बोन से अटैच होती है। बोन और मसल्स को कौन अटैच करता है? टेंडन। अब जो ये मसल की कवरिंग होती है, जैसे हमारे शरीर की कवरिंग किसके द्वारा है? स्किन के द्वारा है। ऐसे मसल्स की कवरिंग किसके द्वारा होती है? एपिमीसियम के द्वारा होती है। मसल एपिमीसियम। अब अगर हम आगे देखें, जो ये मसल का क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर हम देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो मसल है वो बहुत सारे मसल बंडल से बनी हुई है। ये मसल बंडल आपको दिख रहे हैं? ये बहुत सारे मसल बंडल से बनी हुई होती है। इन मसल बंडल को क्या बोलते हैं? फेसिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेसिकल्स बोलते हैं। और ये फेसिकल्स एक दूसरे से किसके द्वारा अटैच होते हैं? फैसिया के द्वारा अटैच होते हैं। अब जो ये मसल बंडल्स है, इनकी भी कवरिंग होती है। इनकी कवरिंग को क्या बोलते हैं? पेरिमीसियम बोलते हैं। अब अगर हम मसल बंडल को आगे देखते हैं, तो हमें दिखेगा कि जो ये मसल बंडल है, इसमें भी बहुत मसल्स फाइबर्स मिलते हैं। जो आपको ये दिख रहे, ये क्या है? मसल फाइबर्स या मसल सेल्स हैं। अब इन मसल सेल को अगर हम आगे देखें, तो मसल सेल में क्या दिख रही है हमें? सबसे पहले ये ब्लड कैपिलरीज दिख रही है। और मसल फाइबर्स में क्या होती है, मसल सेल में क्या होती है? मसल सेल की जो लाइनिंग होती है, जैसे सेल की लाइनिंग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ऐसे मसल फाइबर की लाइनिंग को सैक्रोलेमा बोलते हैं। और इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको सैक्रोप्लाज्म बोलते हैं। अब इसमें सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, एक ऑर्गेनेल। जैसे सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, इसमें सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। उसमें क्या होता है? उसमें कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं। क्या स्टोर होते हैं? कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन हमें आगे क्या करेंगे? ट्रोपोनिन को तोड़ने में मदद करेंगे। जो एक्टिन में होंगे ना, ट्रोपोनिन प्रोटीन, उनको तोड़ने में मदद करेंगे। तो ये किसमें प्रेजेंट है? ये जो सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें प्रेजेंट है। अब इससे आगे जो हम मसल फाइबर में देखते हैं, मसल फाइबर में हमें पैरेलल लाइंस दिखती हैं, पैरेलल फिलामेंट्स दिखती है। उन पैरेलल फिलामेंट्स को क्या बोलते हैं? मायोफिब्रिल बोलते हैं या मायोफिलामेंट्स बोलते हैं। अब इन हर एक मायोफाइब्रिल के पास अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं। ये जैसे ये बैंड है ना, ये बैंड होते हैं, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं। अब एक स्टडी में पाया गया कि जो ये लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं? ये दो इम्पोर्टेंट प्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से होते हैं। वो दो इम्पोर्टेंट प्रोटीन क्या होते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन। अब जो ये डार्क बैंड होते हैं, डार्क बैंड को हम ए बैंड बोलते हैं। क्या बैंड बोलते हैं? ए बैंड बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? मायोसिन होता है। और जो लाइट बैंड होते हैं, उनको हम आई बैंड बोलते हैं। और उनमें क्या होता है? उनमें एक्टिन प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक्टिन प्रोटीन। और जो ये एक्टिन होते हैं, ये थिन होते हैं, और जो मायोसिन होते हैं, ये थिक होते हैं। इसी वजह से इनको थिन एंड थिक फिलामेंट्स भी बोलते हैं। अब जो ये थिन फिलामेंट्स होते हैं, जो ये एक्टिन होते हैं, ये किसके द्वारा बाइसेक्ट होते हैं? ये जेड लाइन के द्वारा बाइसेक्ट होते हैं। जेड लाइन आपको रेगुलर इंटरवल पे मिलेगी, जैसे यहाँ जेड लाइन है, फिर यहाँ जेड लाइन है। किसके द्वारा बाइसेक्ट होते हैं? जेड लाइन के द्वारा। और जो ये मायोसिन्स होते हैं, ये किसके द्वारा बाइसेक्ट होते हैं? ये एम लाइन के द्वारा बाइसेक्ट होते हैं। और जो दो जेड लाइन के बीच का एरिया होता है, एक जेड लाइन ये है, एक जेड लाइन ये है, इनके बीच के एरिया को क्या बोलते हैं? सैक्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैक्रोमियर। और सैक्रोमियर ही फंक्शनल एरिया है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मसल का कॉन्ट्रैक्शन इसी एरिया में होता है। अब हम क्या देखते हैं, जब मसल रिलैक्स्ड स्टेट में होती है, तो जो ये आई बैंड होते हैं, ये ए बैंड को ओवरलैप करते हैं पीछे से, लेकिन आगे से इनके बीच में स्पेस होता है। और इस स्पेस को क्या बोलते हैं? एच बैंड बोलते हैं।
अब हमने ये पढ़ लिया, अब हम आगे एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं जो हमारा एक्टिन प्रोटीन है, थिन प्रोटीन भी जिसको बोलते हैं, वो किससे बना हुआ होता है। जैसे ये आपको ब्लू बिट्स दिख रहे हैं ना, ये ब्लू बिट्स की फिलामेंट्स होती हैं, दो फिलामेंट्स होती है जो हेलिकली वाउंड है, मतलब जो ऐसे वाउंड है, एक ऐसे गई हुई है दूसरी इस पे हेलिकली गई हुई है, ऐसे दोनों फिलामेंट्स का बना हुआ होता है। दोनों कौन से फिलामेंट्स होते हैं, एफ फिलामेंट्स होते हैं, और ये पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होते हैं। अगर ये पॉलीमर से बने हुए हैं तो इसका कोई मोनोमर भी होगा, मोनोमर होता है इसका जी होता है, कौन सा मोनोमर होता है, जी मोनोमर। अब इसके अलावा इस पे हमें एक प्रोटीन और दिख रहा है, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन, इसकी भी दो फिलामेंट होती है और ये उतनी ही लेंथ का होता है जितना एक्टिन होता है। एक्टिन की, एक्टिन के ऊपर इसने बिल्कुल अपनी ऐसे चेन बनाई हुई होती है दो फिलामेंट्स की, ये क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन। इसके अलावा एक और रेगुलेटरी प्रोटीन होता है जो कहीं कहीं प्रेजेंट होता है ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, ये क्या है, ट्रोपोनिन है। कौन सा है तीसरा प्रोटीन, ट्रोपोनिन है, और ये मतलब ऐसे जैसे कहीं लॉक नहीं लगा देते, जैसे ये क्या है, इसको हमें एक्टिन को हमें प्रोटेक्ट करना है, उससे पहले सबसे पहले हम उसको चेन से बांधेंगे, चेन से बांधने के बाद जगह जगह पे इसको लॉक लगाएंगे, और ये लॉक कौन सी जगह पे लगा हुआ होता है, वही लगा होता है जहां मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है। मायोसिन दूसरा प्रोटीन है और वो इस पे बाइंड करेगा तभी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करेगी उसके लिए मायोसिन को इस पे बाइंड करना जरूरी है, लेकिन बाइंड करने से पहले उसको इसको ट्रोपोनिन को तोड़ना होगा। ट्रोपोनिन को तोड़ने के लिए हमें कैल्शियम आयंस की जरूरत होती है जो हम अगले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं मायोसिन, मायोसिन क्या होता है, मायोसिन भी एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है जिसका मोनोमर मेरोमायोसिन होता है, और इसके दो पार्ट होते हैं, एक एचएमएम हैवी मेरोमायोसिन और एक एलएमएम लाइट मेरोमायोसिन। जो एचएमएम है उसमें क्या आता है, उसमें हेड एंड शॉर्ट आर्म, ये हेड होता है और ये शॉर्ट आर्म होती है, ये किसमें आते हैं, एचएमएम में, और एलएमएम में कौन आता है, टेल आती है, एलएमएम में कौन आता है, टेल आती है। अब जो इसका हेड होता है मायोसिन का, इस पे दो साइट्स होती है, एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, यहां से ये एक्टिन पे बाइंड करेगा, और एक एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, कौन सी बाइंडिंग साइट होती है, एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। अब हम इनका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ये कैसे बाइंड करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। मसल का कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो सबसे पहले हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज जाएगा, सिग्नल जाएगा मसल्स फाइबर के पास, मसल्स के पास कि आपको कॉन्ट्रैक्शन करना है। वो मैसेज किसके थ्रू जाएगा, न्यूरोन के थ्रू, क्योंकि मैसेज सिग्नल्स पहुंचाने का काम कौन करता है, न्यूरोन्स करते हैं। न्यूरोन्स के द्वारा जब मैसेज आता है मसल्स फाइबर में, तो न्यूरॉन क्या होते हैं, मसल फाइबर में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट हो जाता है, और वो क्या करता है, कैल्शियम आयन को रिलीज करना शुरू कर देता है। तो जो कैल्शियम आयन होते हैं वो एक्टिन में ट्रोपोनिन के पास जाते हैं और इनको बोलते हैं कि तुम जगह खाली करो। अब ये क्या कराते हैं, जो कैल्शियम आयन है वो ट्रोपोनिन की जगह खाली करा देते हैं। ट्रोपोनिन हमने बताया था ना एक ताले की तरह होता है जो मायोसिन बाइंडिंग साइट को यहाँ प्रोटेक्ट करता है, मास्क का काम करता है, तो इस मास्क को कौन हटा देते हैं, कैल्शियम आयन हटा देते हैं। अब यहाँ क्या होगी, जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो फ्री होगी, लेकिन मायोसिन भी थोड़ा आलसी होता है, उसको क्या होता है, वो कहता है मुझे पहले एनर्जी चाहिए, मैं पहले एनर्जी लूंगा उसके बाद यहाँ जाऊंगा। तो सैक्रोप्लाज्म में जो एटीपी है उसको ये ब्रेक कर देता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और उसके बाद इसको एनर्जी मिलती है और ये किससे, यहाँ एक्टिन से बाइंड हो जाता है, एक क्रॉस ब्रिज बनाता है। तो ये एक्टिन को ए बैंड के सेंटर की तरफ
खींचता है। ये एक्टिन को किसकी तरफ खींचता है? ए बैंड का जो सेंटर है इसकी तरफ खींचता है, और इसकी तरफ खींचता है तो क्या करता है, जो ये एच बैंड का स्पेस है ये कम हो जाता है, जो जेड लाइन होती है वो पास आ जाती है, और जो सेक्रोमियर होता है, सेक्रोमियर क्या होता है, दो जेड लाइन के बीच का स्पेस होता है ना, अब वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। सेक्रोमियर क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, और मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, इसमें जो इसका साइज होता है ए बैंड का साइज वो सेम रहता है, ए बैंड का साइज सेम रहता है, वो रिड्यूस नहीं होता। सिर्फ कौन रिड्यूस होता है, जो आई बैंड का साइज है वो रिड्यूस होता है, वो रिड्यूस होता है तो जेड लाइन भी पास आती है और सेक्रोमियर भी रिड्यूस हो जाता है और मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है। उसके बाद क्या होता है, जो मायोसिन होता है वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज कर देता है, रिलीज करने के बाद ये अपनी रिलैक्स पोजीशन में चला जाता है, और कैल्शियम आयन भी वापस सैक्रोप्लाज्म में चले जाते हैं, और ट्रोपोनिन यहाँ वापस बाइंड हो जाता है, जो पहले वाली स्थिति फिर से आ जाती है। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है। तो हमारा ये मैकेनिज्म जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का है ये कंप्लीट हो चुका है।